नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे ट्रेनों की वेटिंग लिस्ट को लेकर। फरवरी का महीना खत्म होते ही लोगों के मन में होली को लेकर बात चलने लगती है। चाहे वह गाँव के रहने वाले कोई परिवार हो या फिर शहर में रहने वाला कोई परिवार, अपने अपने हिसाब से हर कोई इस त्यौहार को मनाने की बात करता है। अगर आप खेती बाड़ी से उनका जीवन यापन, यानी गांव के लोगों का अगर किसी का खेती बाड़ी से जीवन यापन होता है, तो वो चाहते हैं कि होली से पहले उनका किसानी का काम जो है वो ख़त्म हो सके, ताकि वो होली में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। इसी तरह से गांव के लोग जो कि दूसरे राज्यों में काम करने के लिए जाते हैं, या फिर जो सरकारी नौकरी को लेकर दूसरे राज्यों में हैं, वो भी अपने अपने प्रदेश लौटने लगते हैं अपने परिवार के साथ होली मनाने के लिए। ऐसे में होली के त्यौहार में आपको घर जाना, ये आपकी एक तैयारी का हिस्सा होता है, जिसके लिए भी आपको अभी से सोचने की ज़रूरत है कि घर जाने के लिए किस ट्रेन में कितनी सीटें हैं, इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। आपको बता दें कि इस बार होली 17 मार्च को, यानी कि 17 मार्च को जो है होलिका दहन के साथ शुरू हो रही है। तो आइए अब एक नज़र दौड़ा लेते हैं ट्रेनों के सीटों को लेकर। होली जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है, ट्रेनों में दबाव बढ़ता जा रहा है, ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट की सूची में बढ़ोतरी होती जा रही है। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि रेलवे आने वाले समय में कोच की संख्या में बढ़ोतरी कर सकती है, या फिर होली स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू कर सकती है। साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि कई ऐसी ट्रेनें हैं जो कि ठंड के कारण बंद कर दी गई थी, उसे अब एक बार फिर से परिचालन में लाया जा सकता है। इसको लेकर रेलवे की तरफ से बयान भी जारी किया गया है। हालांकि यात्रियों के लिए अच्छी खबर यह है कि उत्तराखंड के देहरादून से चलने वाले 3 ट्रेनों का संचालन शुरू होने वाला है। बता दें कि ये ट्रेनें कोहरे के कारण बंद हुई थी। यह भी बता दें कि उज्जैनी एक्सप्रेस 1 मार्च से चलेगी, जबकि जनता और उपासना एक्सप्रेस 2 मार्च से इनका परिचालन शुरू हो जाएगा। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि इन ट्रेनों के परिचालन होने से यात्रियों को आने जाने में काफ़ी सुविधा होगी। उत्तराखंड से चलने वाली ट्रेनों को अगर हम देख लें तो दून उज्जैन एक्सप्रेस 21 दिसंबर से 23 फरवरी तक रद्द है। बता दें कि इन ट्रेनों का संचालन जो है 1 मार्च से शुरू हो जाएगा। यह भी बता दें कि ट्रेन सप्ताह में 2 दिन यानी कि मंगलवार और बुधवार को चलाया जाएगा। बता दें कि इन ट्रेनों का परिचालन होली को देखते हुए शुरू किया गया है। आइए अब हम जान लेते हैं कुछ ट्रेनों के बारे में जिसमें कि सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ रहता है। उनमें से एक ट्रेन है 12312। यह ट्रेन जो है 17 फरवरी की अगर हम बात कर लें इन ट्रेनों के स्थिति को लेकर, तो अभी तक जो इसकी स्थिति है, इन ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट जो है लटकी हुई है। जबकि इसी तरह की अगर हम एसी कोच की बात करें तो उसमें कुछ सीटें खाली हैं, लेकिन उसमें भी जो है स्थिति बहुत ही समान नहीं है। वहीं अगर हम दिल्ली से आने वाली ट्रेनों की अगर हम बात कर लें तो उसमें भी जो है स्लीपर से आने वाली ज़्यादातर ट्रेनें, यानी कि दिल्ली से पटना आने वाली जितनी भी ट्रेनें हैं उसमें अगर हम स्लीपर क्लास की बात कर लें तो 17 फरवरी तक के लिए है। बहुत सी ऐसी ट्रेनें हैं जिसमें कि टिकट जो है वेटिंग लिस्ट में चला गया, लेकिन एसी में अभी भी कहीं कहीं जो है सीटें खाली हैं। तो ऐसे में जो है अगर आप ट्रेन से सफ़र करने की सोच रहे हैं तो एक बार अभी से ही जो है उस वेटिंग लिस्ट पर ज़रूर ध्यान दें। ऐसे में आपके सामने एक दूसरा रास्ता ये भी है कि अगर आप 17 फरवरी से पहले अगर आप ट्रेन में आना चाहते हैं तो आपके पास एक दूसरा तरीका है तत्काल टिकट का। अगर आप वहां से टिकट ले सकते हैं, या फिर वहां भी एक समस्या ये है कि आप पहले आओ पहले पाओ की स्थिति में आपको टिकट मिलेगी। तो ऐसे में तत्काल में भी जो है आपको सबसे पहले आना होगा, क्योंकि यहाँ जो अभी नॉर्मल स्थिति है ट्रेनों की, उसमें जो है लंबी दूरी की ट्रेनों में जो है लंबी वेटिंग लिस्ट लगनी शुरू हो गई है। ये दिल्ली और पटना के साथ साथ मुंबई से आने वाली ट्रेनें, या फिर हम कह लें छत्तीसगढ़ से आने वाली ट्रेनें, इन सारी रूटों की जो ट्रेनें हैं उसमें वेटिंग लिस्ट की स्थिति बननी शुरू हो गई है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।